और रामचरित मानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में वकीलों ने कानपुर कोर्ट परिसर में स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। आप लोगों को मालूम है और आप लोग के मीडिया के चैनल के माध्यम से ज्यादा ज्यादा देश के लोगों को मालूम पड़ा कि रामचरित मानस को लेकर एक जिम्मेदार नेता जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, इस समय इस बयान के बाद से उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। उन्होंने रामचरित मानस, हमें लगता है हिंदू समाज में ऐसा कोई परिवार नहीं हो गया कि जिसके यहाँ छोटे या बड़े रूप में रामचरित मानस किताब ना हो। आज हम लोग 21वीं सदी में पहुँच गए हैं, अखंड भारत की हम बात करते हैं। अखंड भारत की बात में ये छोटे बड़े ऊंच नीच की बात कहां से आती है? ये इन्होंने जो बयान दिया रामचरितमानस का, जो इन्होंने प्रतियां जलाई हैं, ये इनकी एक छोटी मानसिकता है, ये देश को बांटना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।